Jai Hind everyone. FCAT exams are round the corner and you as students are eager to know कि क्या strategy होने वाली है जिसमें हम लोग मात्र 30 दिन में अपने exams को qualify कर लें, क्योंकि ये जो last का moment होता है ये बहुत ही ज़्यादा अहम होता है और यही इसमें जितना आपने revision कर दिया यही एक अहम role play करने वाला है whether you are going to be selected or not. तो let us discuss this strategy और I am sure कि अगर आप इस strategy को follow कर लेते हैं so for sure आपका exams clear होना ही होना है and specifically when I talk about English. तो चलिए शुरू करते हैं FCAT last 30 days strategy for FCAT. Now, सबसे पहले एक basic सा overview समझ लेते हैं कि भाई FCAT का जो exam है आपका उसमें English का कितना weightage रहता है, right? So total number of questions you have as of now is 30, जिसमें correct answer बच्चों कितना होता है per question? 3 marks का. पर question भी आपकी जो negative marking हो जाएगी, that is -1 for every incorrect answer, जिसको हम कह सकते हैं 33% की एक overall negative marking होती है, जो कि बहुत अहम है. मतलब हमें negative marking से बचना है. सबसे पहली चीज तो ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए कि जो भी question का आप answer करोगे, that has to be very sure. वो बिल्कुल sure होना चाहिए, क्योंकि भाई हमें गलत क्यों ही करना है, जब हमारी पढ़ाई up to the date होगी, जब हमारे questions हमें logically समझ में आएंगे, हम क्यों गलत करें. ये negative marking बच्चों के marks बहुत down करती है बच्चों, तो negative marking से बचना है, right? Next, अब हम लोग समझते हैं कि जो एक basic English है, ये हमारी 3 हिस्सों में बढ़ जाती है. सबसे पहले जिसको हम लोग कहते हैं grammar, जिसको most of the students avoid करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें logic समझ नहीं आता, उन्हें content नहीं समझ में आता, उन्हें rules नहीं समझ में आते. उनके according 10,000 rules हैं और वो 10,000 rules में से क्या पढ़े कि वो error बना दे. तो let me tell you, ये 10,000 rules नहीं होते, सिर्फ कुछ चुनिंदा topics हैं और उस चुनिंदा topics में भी कुछ चुनिंदा concepts हैं जिनके basis पे अगर आप errors या जिनका concept समझ लें आप errors कर लेंगे, right? तो एक हो जाता है grammar. Next we talk about vocabulary, जो तो indefinite है, मतलब अनंत है, जिसका कोई और छोर ही नहीं है, है ना. अब इसमें ये समझना है कि कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म, तो कितना पढ़े कैसे पढ़ लें, क्योंकि FCAT एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें ग्रामर में फोकस कम होता है, थोड़ा वोकैबुलरी स्कोप ज़्यादा बढ़ जाता है ना. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर रीडिंग सेक्शन, राइट. तो अभी ये 3 पार्ट्स जो ग्रामर में आप जो इंग्लिश में आपके डिवाइड हो जाते हैं, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट देम एंड हाउ टू स्टडी देम कि आपका एग्जाम एक बेहतरीन स्कोर से क्वालिफाई हो, स्पेशली इंग्लिश. तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक बेसिक वोकैबुलरी सेक्शन की, जिसमें देखो आपका है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग एरर. अब एंटोनिम कैसे पूछा जाएगा, मान लेते हैं एक वर्ड आपको दे दिया गया है एक्सट्रैनियस, अब आपको समझना है कि इसका सिनोनिम और एंटोनिम. अब आपसे पूछा गया है एंटोनिम, चलिए मान लेते हैं ये क्वेश्चन बच्चों एंटोनिम का है. नाउ 4 ऑप्शंस में से आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि इस वर्ड का एंटोनिम क्या होना चाहिए. अब बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एंटोनिम में आती है, सिनोनिम तो एक बार को हो जाते हैं, बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि जब हमें इस शब्द का मतलब पता है, हमें पता है इसका मतलब होता है बाहरी, है ना, जिसको हम कह सकते हैं फॉरेनर, है ना, एक्सट्रिंसिक, जो बाहरी, एक्स्ट्रा है, बाहरी है. तो जब हमें पता है ये वर्ड एक्सट्रेनियस है, बाहरी है, तो मान लेते हैं 4 ऑप्शन है हमारे पास. एक है ऑप्शन नेटिव, एक है ऑप्शन आपका फॉरेन, एक है मान लीजिए ऑप्शन आपका शिवालरी, और एक बेसिक सा वर्ड ले लेते हैं डीमन, राइट. अब इन 4 ऑप्शंस में से फॉरेन, फॉरेन तो भाई इसका सिनोनिम ही हो गया, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया. अब जब आपको इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता है, ओनली देन इन दैट केस आप इसका एंटोनिम फाइंड आउट नहीं कर पाओगे. बट अगर आपको इस वर्ड का मतलब पता है, देन आप यहाँ पे कट ऑफ पॉइंट को, मतलब आप सेक्शंस कट करके आप ऑटोमेटिकली अपना आंसर्स निकाल सकते हैं. शिवालरी, शिवालरी मतलब तो हो जाता है बहादुर, है ना, डीमन होगा नहीं, डीमन मतलब तो राक्षस, उससे बाहरी और अंदर का क्या फर्क पड़ना. तो एंटोनिम क्या बच्चा आपका, नेटिव, दिस इज द आंसर, राइट. तो इट इज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक अगर हम वोकैबुलरी करना चाहें, तो ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप नेल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए. अब स्ट्रैटेजी क्या होगी वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. अब सिनोनिम्स जैसे मान लेते हैं एक वर्ड आपको दे दिया गया इंसिपिड,
वर्ड है आपका इंसिपिड. इंसिपिड का मतलब क्या होता है? इंसिपिड का मतलब होता है बेस्वाद. अगर हम लोग सिप कर करके किसी ड्रिंक को नहीं पीते हैं, जूस या जो भी है, तो वो क्या हो जाती है? बेस्वाद होती है जल्दी जल्दी पीने से, तो कोई इसका मतलब नहीं होता. तो इंसिपिड का मतलब क्या हो जाता है? टेस्टलेस, है ना, बेस्वाद जिसको हम कह सकते हैं. तो वर्ड्स को थोड़ा सा हम लोग निमोनिक्स के थ्रू रिलेट कर सकते हैं. अगर हम निमोनिक्स के थ्रू बच्चों रिलेट करते हैं तो आई एम मेकिंग श्योर कि आपको वो शब्द कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा. जैसे वर्ड है पार्सिमोनियस. पार्सिमोनियस मतलब क्या? जिसको पर्स में रखना पसंद हो, पैसे बाहर निकालने नहीं पसंद हो, तो ऐसा बच्चा, ऐसा इंसान कौन होता है? कंजूस होता है. तो आप शब्द में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ढूंढ ही लेंगे जो आपको रिलेट करने में उसको मजबूर कर देगा. इट इज जस्ट दैट की शुरुआत में थोड़ा सा समय लगेगा, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन यू हैव नेल्ड दिस आर्ट, फिर बहुत मजा आता है वोकैबुलरी में, ट्रस्ट मी. राइट, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इडियम्स की. जैसे अभी क्या हो गया, इडियम्स जैसे एन एप्पल ऑफ वन आई, सबका प्यारा, रेड लेटर डे, अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, तो ये आपके इडियम्स हो गए. राइट, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं. उसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे आपसे क्वेश्चन मान लेते हैं, पूछ लिया गया समथिंग दैट कैन नॉट बी ईटन, है ना, समथिंग दैट कैन नॉट बी ईटन, जिसको खाया ना जा सके, उसको क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं इनएडिबल. उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इनएडिबल कहते हैं. One who can write with both hands, उसको क्या कहते हैं? Ambidextrous. तो ये बहुत ही commonly words पूछे जाते हैं. ऐसा नहीं है कि कुछ out of the box पूछ लिया. जितना आपको practice करवाया जाता है mock test के through, classes के through, online classes चलती हैं, offline classes चलती हैं, जितना आपको practice करवाया जाता है बच्चों, 30 questions में से मतलब आप 28 questions तो उन्हीं classes के ही answers निकाल ले जाओगे, है ना. So this is your one word substitution. Spelling error में क्या होता है? आपको चार options दे दिए जाते हैं, ठीक है, A B C D करके चार स्पेलिंग्स दे दी जाएंगी. इनमें से मान लेते हैं किसी एक में करेक्ट स्पेलिंग दी गई है, तो फिर आपका क्वेश्चन होगा फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग. आपने आंसर मार्क कर दिया. अब चार ऑप्शंस में से मान लेते हैं आपकी तीन सही हैं और सिर्फ एक गलत है, मतलब एक इनकरेक्ट है. क्वेश्चन दे देगा फाइंड द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड. बस उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? अपना आंसर मार्क कर देना है. दिस इज योर स्पेलिंग एरर. सो दिस वाज अबाउट दीस पॉइंट्स. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट की. देखो फिल इन द ब्लैंक्स क्या होता है? इट इज जस्ट वन स्टेटमेंट. ये एक स्टेटमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल हमने बोला रमेश इज अकस्टम्ड डैश वर्किंग हार्ड, है ना. जो रमेश है वो बिल्कुल आदि हो चुका है मेहनत करने का. तो अब ये जो वर्ड है आपका कस्टम्ड, ये अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है टू. तो आपको जो चार ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से आपको अपना करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करके उसी क्वेश्चन को या उसी ऑप्शन को क्या कर देना है? टिक कर देना है. दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स. अब क्लोज टेस्ट क्या होता है बच्चों? क्लोज टेस्ट एक पैसेज ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स का मर्जर होता है. फॉर एग्जाम्पल एक आपको यहां से शुरू होता, देयर वॉज अ डैश, यहाँ पे ये ए ऑप्शन या वन ऑप्शन ऐसा कुछ लिख देगा, ठीक है. देयर वॉज अ डैश हु लिव्ड इन अ जंगल. तो मतलब यहाँ से शुरू होता है आपका पैसेज और उसी में करके अब फिर से यहाँ पे नंबर टू, उसी में बीच बीच में गैप्स दे दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन, हर एक ब्लैंक के लिए आपको चार ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपको इस ब्लैंक में इस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार कौन सा उपयुक्त ऑप्शन फिट हो रहा है, बस उसी को फिट कर देना है. दैट इज योर क्लोज टेस्ट, जिसमें एक पैसेज में बीच बीच में ब्लैंक्स दिए होते हैं और हर ब्लैंक के लिए चार ऑप्शंस होगा. अब ये क्या है? आर यू गोइंग टू लर्न दिस? क्या इसको रटा जाएगा? बिल्कुल भी रटा नहीं जाएगा. दिस इज ऑल प्रैक्टिस. ये सब मांगता है प्रैक्टिस. Antonyms, synonyms, ये सब मांगता है revision. Close test, fill in the blanks, comprehension, ये सब बच्चों मांगता है क्या? ये आपका मांगेगा PQRS, comprehension, ये सब आपसे मांगते हैं प्रैक्टिस. नाउ द पॉइंट इज कि आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर आप इनको किसी फॉर्मूले के थ्रू जाने की कोशिश करेंगे आप कहीं ना कहीं अटकोगे. बट अगर आपकी रीडिंग स्ट्रांग है, अगर आप इसको प्रैक्टिस के थ्रू करना चाहते हैं, ओनली देन आप इन पॉइंट्स में नेल कर सकते हैं. राइट, अब इससे पहले हम लोग एक बार बात कर लेते हैं एरर्स की. एरर्स एक ऐसा पॉइंट है जिसको बच्चा जितना पढ़ लेता है फिर भी उसको लगता है हमें एरर नहीं आ रहा. चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं. 2 miles अवे फ्रॉम दैट
pasture land was seen hundreds of cattle. Hundreds of cattle. Full stop. अब आपको इस question में answer mark करना है कि भाई error किस part में है, A part में है, B part में है, या फिर C part में है, या no error. अब देखिए, आपने question को पढ़ना शुरू किया बिल्कुल सोच के कि अब इसमें तो बहुत बड़ी चीज है, error ढूंढना है हमें. But अगर आप उसी डर को थोड़ा सा कम करके ये सोचो भाई sentence ही तो है, अगर examiner ने दिया है या तो error होगा या तो error नहीं होगा, तो चलो sentence को बांटना शुरू करते हैं. 2 miles away from that pasture land, उस खेत से जो जहाँ पे गाय भैंस चर सकते हैं, उससे 2 मील दूर was seen. अब ये verb किसके लिए है? देखा क्या गया? Land देखा गया कि cattle देखे गए? तो हमें दिखाई दिया कि भाई cattle देखे जा रहे हैं. ये was भी किसके लिए आया है? Cattle, hundreds of cattle के लिए. But ये तो plural word है. तो जब ये plural word है, तो यहाँ was क्यों लग गया? यहाँ पे तो were लगना चाहिए था. तो अब error कहाँ पे हो गया? B part में. तो again, the point is कि आपकी reading की कला होनी चाहिए. अगर आपको art of reading है, तभी आप एक sentence को पढ़ के उसमें error find out कर सकते हैं. You just have to break the sentence. Sentence को break करते चलो और उसको relate करते चलो. Subject कहाँ है? जरूरी नहीं हमेशा subject शुरुआत में ही हो. जरूरी बिल्कुल नहीं है ना. आपको अपने वर्ब के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को सैटिस्फाई कराना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को सैटिस्फाई कराना पड़ जाता है कभी कभी. इट डिपेंड्स ऑन दी सेंटेक्स कि किस तरीके से एरर पूछ लिया गया है. फाइन, चलिए. तो भाई अब ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे होंगी? तो अब 30 days है, कुछ नया भी ट्राई नहीं कर सकते हम लोग. चलिए आगे बात करते हैं. क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है जिससे हम मेक श्योर करें कि 30 दिन के अंदर अंदर हम पूरा कंटेंट रिवाइज कर ले जाए. स्केड्यूल रीडिंग पर डे, प्रतिदिन आपको रीडिंग करनी है बच्चों. 30 मिनट्स रीडिंग मस्ट है. 30 मिनट्स एक रीडिंग करने के बाद ही आप अपनी वोकैबुलरी, ग्रामर, हर एक चीज़ में आप कॉन्क्रीट हो सकते हैं. उसके अलावा रीडिंग क्या करनी है? अगर आपका लेवल न्यूज़पेपर पढ़ने का है, न्यूज़पेपर रीडिंग बेस्ट. उसके अलावा आर्टिकल्स पढ़ें या फिर मैगजीन्स पढ़ें. ऑलरेडी आपको हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर बताया जा चुका है, इसको पिन करवा दिया जाएगा. गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. राइट, नेक्स्ट. अब बात करते हैं कि भाई वोकैबुलरी को क्या करना है. स्केड्यूल ये है कि डेली रिविजन ऑफ वोकैबुलरी होनी चाहिए. एक सबसे मतलब हमारा जो एक हथियार है, दैट इज लेक्सिकन. अगर लेक्सिकन है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो जिस मोड से आप करते हैं, जहां से अब आप करते हैं वहां से करिए. और एक साइट है vocabulary.com और एक freerise.com. ये एक ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हो भाई, freerise.com, ठीक है, जहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, आप यहाँ पे जाइए, उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो. उसके अलावा जो एक राममार का उपाय है, दैट इज योर लेक्सिकन. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो आई विल टेल यू कि भाई अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्लासेस चलती हैं डेली, जो क्लासेस एमकेसी एनडीए चैनल पर जो डेली क्लासेस चल रही हैं, ये भी अपने आप में परफेक्ट प्रैक्टिस देने का वादा करती हैं. सो गो एंड स्टार्ट वॉचिंग दैट. एमकेसी एनडीए सीडीएस एफकैट चैनल पे 7:30 से डेली क्लास चलती है, तो आपके लायक रीजनिंग है ना. उसके अलावा आपके लायक आपकी इंग्लिश है, तो गो एंड वॉच दैट. वेट किस बात का है? नेक्स्ट स्केड्यूल उसके अलावा क्या है भाई, हफ्ते में तीन दिन क्या क्या प्रैक्टिस करना है. जैसा कि हमने बोला, इट इज जस्ट अ गेम ऑफ प्रैक्टिस. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, इडियम्स और वन वर्ड, इसको प्रैक्टिस करिए. मटेरियल आपको बुक में भर भर के मिल रहा है ना, प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ भर भर के कंटेंट मिल रहा है. उसके अलावा रोज शाम 5 बजे आपका लाइव मॉक टेस्ट होता है, वो मस्ट अटेंड करें बच्चों. वो मस्ट है अटेंड करना, क्योंकि उसी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई हम कर ले जाएंगे. अगर ये 30 questions हमने इतनी देर में कर लिए, तो फॉर श्योर हम एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे. तो लाइव मॉक टेस्ट है जिसमें हर एक पॉइंट डिस्कस होता है ना. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या तो बुक्स उठा लो. बुक्स के अलावा भी प्रैक्टिस जरूरी है. बुक्स के अलावा लाइव मॉक है, उसके अलावा रेगुलर क्लासेस हैं जो आपको 7:30 मिल जाएगी उसी चैनल पर. राइट, नेक्स्ट. उसके अलावा बाकी 3 दिन क्या करना है भाई? अब हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं ना, 3 दिन आपने कर लिया, अब 3 दिन क्या करेंगे? 3 दिन हफ्ते में एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स लगाओ, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं. टाइम स्केड्यूल बना लो, इतने घंटे बैठना, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे, योर विश एंड योर एफिशिएंसी, दैट इज इंपॉर्टेंट है ना. उसके अलावा संडे,
वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फ्लेज्ड मॉक टेस्ट देना ही देना है और उसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. अगर आप उसको एनालिसिस नहीं कर रहे हैं देन इन दैट केस आपका कोई फायदा नहीं उस मॉक टेस्ट को करने के बाद, आप वही गलती रिपीट करोगे. तो हर संडे फुल फ्लेज्ड मॉक टेस्ट है, उसके अलावा एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप है, जाइए एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी. गो एंड परचेज दैट, बहुत ही नॉर्मल रेट पे बच्चों टेस्ट सीरीज मिलेगी एफकैट के लिए, गो एंड बाय दैट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट अबाउट द स्केड्यूल, पर डे मॉक चलता है एनडीए चैनल पर बता चुके हैं, लाइव मैराथन पर डे 7 बजे ऑनवर्स चलती है उसी एमकेसी एनडीए चैनल पर, ये भी बता चुके हैं एनडीएफ कैट चैनल पर, ठीक है. उसके अलावा एमकेसी की पब्लिकेशन बुक, उसके अलावा ओटीएस ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम फॉर मोर प्रैक्टिस. अब ये कैसे कैसे मिलेगा ये देखो, ये है हमारी बुक्स जिन पे हम लोग मतलब दावा करते हैं कि अगर आपने ये बुक्स ले ली और इसके कंटेंट को एक बार लग के प्रैक्टिस कर लिया तो आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, राइट. फ्री शिपिंग है, परफेक्ट स्टडी मटेरियल के साथ, मिसलेनियस कलेक्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है. आज ही आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पे. उसके अलावा फ्री डिलीवरी बताई दिया है, 25% डिस्काउंट भी है फ्री डिलीवरी के साथ. नेक्स्ट ये है आपका ऑनलाइन भाई, अगर अभी भी आपको लगता है कि हमें नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी है तो ऑनलाइन ऑलरेडी आपके सिलेक्शन चल रहे हैं 80 डेज ये भी एफकैट, आज ही ऑनलाइन तैयारी के लिए क्या करिए, लिमिटेड ऑफर है 9696330033 पे. सिमिलरली एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और आज ही आप अपने ऑनलाइन कोर्स को ले सकते हैं. नेक्स्ट वोकैबलरी की क्लास है, रटना बंद समझना शुरू, है ना. अब ये तो ऑलरेडी ऑल द पुरानी क्लास है, न्यू क्लासेस का ऑलरेडी लिंक आपको, अगर आप एक बार एमकेसी एनडीए चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो डेली न्यू क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा, राइट. नेक्स्ट उसके बाद ये देखो लाइव मॉक टेस्ट अभी 12वां चल रहा है, तो मतलब आप लोगों ने 11 मिस कर दी ऑलरेडी, तो अभी भी समय है 11 अटेम्प्ट करके अभी इसे भी शुरुआत कर सकते हैं, रोज शाम 5 बजे, है ना. उसके अलावा मैराथन क्लासेस चलती हैं, वो तो चलती ही हैं, 3-3 घंटे 4-4 घंटे, मतलब एक टॉपिक को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया जाता है, समझ रहे हैं ना. नेक्स्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो आपको कहाँ मिलने वाली है, एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप पर. तो मतलब यू हैव टू बीट द फियर ऑफ डिफेंस एग्जाम, एमकेसी पूरी तरीके से लगा हुआ है, इट इज़ जस्ट दैट कि आपका कितना रोल है उसमें, आपको सिर्फ फॉलो करना है, बाकी डायरेक्शन हमारा, सजेशन हमारे और स्ट्रैटेजी हमारी. आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको इफेक्ट देगी प्रोवाइडेड यू फॉलो इट होल हार्टेडली. मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, बाय देन टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद.